हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बच्चों अपडेट है। ठीक है, हम देखते हैं बच्चों वन बाई वन करके। सबसे पहले बच्चों, आपका फोर्थ राउंड का ऑफिशियल डेट अनाउंस हो गया है। इसका मतलब यही है बच्चों, आपका फोर्थ राउंड कंडक्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चों, मैंने अपने लास्ट ईयर लास्ट वीडियो में बताया भी था, प्रीवियस वीडियो में आपको, कि लास्ट ईयर जैसा आपने देखा था इतना ज़्यादा राउंड तो नहीं होगा, बट हाँ ये तो है कि फोर्थ राउंड आपका कंडक्ट होगा और वो हो भी रहा है। मैंने बताया था पूरी पॉसिबिलिटीज़ है और आपका डेट आ भी गया बच्चों। आपका 13th of August को बच्चों कंडक्ट होगा और क्लोज होगा 15th of August को। ठीक है, तो 13th of August टू 15th of August है, अच्छी बात है बच्चों, आपका कंडक्ट हो रहा है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या कोई फर्दर राउंड की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अब उसके बाद बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चों डेट है वो ये है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ये इसको रिलीज़ कर दिया IIT ने, बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों आपके ऑल 7 आइजर्स के रिपोर्टिंग डेट हैं बच्चों। ठीक है, और आपके क्लासेस कौन सी डेट से स्टार्ट हैं बच्चों, वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, और सुन लो फिर से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लिंक भी दिया गया है आपका आइजर का, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो उसके वेबसाइट पे। और सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कराए हैं, ईमेल आईडीज हो गई और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। आपको बच्चों अगर कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है, किसी भी कोई भी पॉइंट को लेके, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपका डाउट जो बच्चों है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने जैसे बच्चों, आई होप जो भी मेरा चैनल फॉलो कर रहे होगे आपको बच्चों पता होगा, मैंने बोला था कि मोस्ट लाइकली आपका थर्ड राउंड के बाद डेट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, और वो हो गया है। ठीक है, पहली बात। सेकंड, मैंने ये भी बताया था कि बहरामपुर एंड तिरुपति का सबसे लास्ट में ही डेट होगा, एंड वो भी आपके सामने बच्चों हैं। जो भी मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनको पता होगा, बताने की नीड भी नहीं है। तो बच्चों आपका बहरामपुर का जो है, ठीक है, उसका देख लो डेट ऑफ जो रिपोर्टिंग है और ज्वाइनिंग बोलो, ठीक है, जो भी है वो आपका बच्चों सितंबर में है, 2-3 सितंबर। ठीक है, मैंने बोला था ना सबसे लेट में होगा बहरामपुर तिरुपति का ही होगा। और अगर मैं आ जाऊँ तिरुपति यहाँ नीचे है, तो आप देखोगे 27-28 ऑफ अगस्त, बट यहाँ पे टेंटेटिव है जो तिरुपति का 27-28 है, वो बच्चों टेंटेटिव है, एक रेंज में दिया है इन्होंने। आप कंफर्म मत समझना कि आपका 27-28 ये, मैं तिरुपति की बात कर रहा हूँ। ओके, अब ऐसे सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों भोपाल की, जो कि स्टार्टिंग से सेकंड में मेंशन है आपका, चलो इसका भी डेट आया नहीं था, बट काफ़ी बच्चों को नीड थी कि भैया डेट क्या होगा, और बच्चों आ गया है 20 ऑफ अगस्त से 21 ऑफ अगस्त आपको पहुंचना है, अच्छी बात है। कोलकाता का तो मैंने आपको बता दिया था 14th of August, और पुणे का भी 14th of August बताया था मैंने आपसे, मोहाली का भी ऑलरेडी मेंशन था 20th of August। ठीक है, पुणे का ऑलरेडी था, तिरुपति का 27-28 ऑफ अगस्त जो है टेंटेटिव डेट है, ये बच्चों भी तो फाइनल नहीं है। तो बस यही था, तो मैं अभी क्या बोलूँ। और आपका TVN का मैंने आपको कल रात में ही बच्चों रिपोर्ट कर दिया था कि आपको जो TVN का आपका होगा वो बच्चों आपका 18-19 अगस्त को बच्चों आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो मुझे लगा आपको बच्चों बता देना चाहिए। ठीक है, और जो भी बच्चों को भोपाल BS इंजीनियरिंग साइंसेस मिला है, ठीक है बच्चों, आपको भी सेम डेट को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 20-21 अगस्त तक, ठीक है, आपको भी जो है अपना रिपोर्ट कर देना है कॉलेज में। सेम गोज विद भोपाल BS इकोनॉमिक, जो भी स्टूडेंट को BS इकोनॉमिक मिला है वो। अभी हम बात कर लेते हैं बच्चे का क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, तो बहरामपुर का आप देखोगे तो September 4th, ठीक है, September 4th से स्टार्ट है, और भोपाल का 22nd of August से स्टार्ट है, और कोलकाता का 20th of August, ठीक है, मोहाली का भी 22nd of August, पुणे का 19th of August, ठीक है, 19 काफ़ी जल्दी है, बट अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अब तिरुपति का यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने 27-28 ही लिखा है, यहाँ पर मैंशन कर दिया, वो बार बार बोलने की टेंटेटिव डेट है, फाइनल अनाउंस करेंगे सुन, तो चलो अच्छी बात है। तो
बट वही है बच्चों, जो भी आपको जो भी आई से रिलेट हुआ प्लीज़ आप उसका बच्चों रेगुलरली उसको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना, ताकि कुछ भी अपडेट आता है या कुछ भी आता है आपसे मिस ना हो बच्चे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। तो इसलिए आप उनका ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना, ठीक है। उन्होंने ऊपर दिया भी मेंशन भी किया है कि कोई भी फर्दर अपडेट के लिए आप रेगुलरली उनका वेबसाइट चेक करते रहना फ्रिक्वेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ओके। और आप देखोगे अगर TVM का जो है, ठीक है, तो 21st of August है भोपाल का, BSc इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक का भी जो है 22nd of August है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना रखा है हॉस्टल एसेंशियल के लिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लो। उतना डिटेल में किसी ने नहीं आपको बताया जितना डिटेल में मैंने आपको हर एक चीज़ पर्सनल केयर से लेके एकेडमिक नॉन एकेडमिक हॉस्टल एसेंशियल सब कुछ बच्चों कवर करके रखा है, आप जाके देख सकते हो। और ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो बना के रखा है लैपटॉप वर्सेस टैबलेट, ठीक है, आपको टैबलेट लेना चाहिए या लैपटॉप खरीदना चाहिए, अगर आपको डिजिटल नोट चाहिए तो क्या करो, ठीक है, एंड ऑल मैंने प्रॉपर तरीके से समझा के रखा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, आप जाके देख सकते हो। एंड सेकेंड लास्ट चीज़ ये बच्चों कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, और कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर मत ले लेना, क्योंकि जैसे कुछ फंक्शंस वाले कैलकुलेटर होते हैं जो अलाउड नहीं होते, बैन होते हैं, वो अलाउड नहीं होता, तो ऐसा मत ले लेना कि आपको वो यूज़ ही ना लगे। तो आपको कौन सा कैलकुलेटर यूज़ लगे एंड ऑल, मैं जो भी आपको कैलकुलेटर ख़रीदना है मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाके वो कैलकुलेटर खरीद सकते हो, बिकॉज मैं भी वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ और हमारे बैचमेट भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, इवन हमारे सीनियर्स ने सजेस्ट किया था, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके बच्चों बाई कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी इशू नहीं आएगा। मिलता हूँ बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बताओ मैं पूरी हेल्प करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बच्चों लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और है मैं मेंशन कर देता हूँ कि आप तो अगर आपको चाहिए तो आप कैलकुलेटर बाई कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और कोई कैलकुलेटर मतलब ज़्यादा फंक्शंस वाला वैलिड नहीं होता इसलिए, ठीक है। और अब सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों आज मैं सोच रहा हूँ लाइव करने को, ठीक है, रात को अराउंड 10 PM के अराउंड मैं सोच रहा हूँ लाइव करने को। आप सब बताओ क्या आप सब कनेक्ट होगे, अगर आप बोलोगे ठीक है आपको नीचे वोट करना है मैं लाइव करूँ या नहीं, अगर आप चाहते हो आपके कुछ भी डाउट्स हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी पूछना है, आईजर रिलेटेड नॉन आईजर रिलेटेड एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो कुछ भी पूछना है आज आप पूछ सकते हो। तो मैं 10 बजे सोच रहा हूँ आज लाइव शेड्यूल करते हैं, 10 बजे आपसे अच्छे से बात करते हैं, बिकॉज बच्चों आप लोग मेरे साथ 1 साल तक कनेक्टेड रहे, अभी काफ़ी बच्चे कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं चाहता हूँ लास्ट में एक बार आपसे अच्छे से कॉन्वर्सेशन हो जाए मेरी, ठीक है, अच्छे से मैं आपसे बात कर लूँ एक बार। तो आज मैं चाहता हूँ कि लाइव आऊँ अराउंड 10 PM पे, तो आप बताना अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको यस करना है और लाइव के लिए वोट करो। तो मिलते हैं आप सीधे लाइव में बच्चे रात को अराउंड 10 PM के अराउंड, ठीक है। सो चलो बच्चों मैं मिलता हूँ आपसे फिर लाइव में अराउंड 10 PM, बाकी तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बच्चों।